हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मानिस क्रिकेट मिथ का शो द 12th मैन के एक और एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। जनरली आप देखते आ रही हैं कि हमारे पास कोई ना कोई गेस्ट होता है या पैनल होता है, बट आज मैंने सोचा कि वाई नॉट हम एक मोनोलॉग कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने शो किया भी नहीं। लास्ट हमारी जो सीरीज थी वो वर्ल्ड कप के ऊपर थी स्पेशल। अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी डू है, सो होपफुली विल बी डूइंग समथिंग अराउंड दैट एज वेल। बट अगर आपने वर्ल्ड कप कहानी नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। फॉर 5-6 एपिसोड्स में तमाम वर्ल्ड कप्स जो थे 50 ओवर उनको कवर किया था। बट आज की जो वीडियो थी छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा बात करने का इरादा नहीं है। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चेंजेस आ रहे हैं बोर्ड में, इसके हवाले से एक काफ़ी अरसे से फियास्को ही बना हुआ है, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। एक क्योटिक सिचुएशन है जहाँ पे 2 साल में 4 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, और ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है जो हमारे मुल्क के हालात थे कि हमारे मुल्क में भी 2 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। एंड सिंस हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है सिचुएशन से, तो वो इंस्टेबिलिटी जो आपको ऊपर नज़र आ रही थी वो हमारे पास नीचे बोर्ड भी नज़र आ रही थी। इस सब का रिजल्ट ये निकला है कि हमारे पास जो था वर्ल्ड का 50-50 का जो था उसके दौरान अनसर्टेनिटी रही, र्यूमर्स आते रहे। उसके बाद जो उसका एक हमारी हिस्ट्री की बदतरीन परफॉर्मेंस थी, आप उसको जिस तरह भी देखें, बट वी लॉस्ट मोर मैचेस देन एवर इन आवर हिस्ट्री। और जिस तरह की टीम से हम हारे बीच में, वो एक लम्हा फिक्रिया था। और उसका फिर जो बाद में फॉल बैक हुआ उसके अंदर ये हुआ कि हमने कैप्टन बाबर आजम को वहाँ से हमने कप्तानी से हटा दिया, जो कि एक हद तक सही फैसला भी था क्योंकि उनकी कप्तानी एक स्क्रूटनी के अंडर चल रही थी। और इसके अलावा उनकी जो कैप्टनसी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे। एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी एवर हैड, एंड प्रॉब्ली ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर टाइम इन आवर हिस्ट्री, अगर वो अपना करियर आगे जा सका जितना पिछले कुछ क्रिएट्स का था। क्योंकि अब T20 एंड एवरीथिंग, हमारे करियर वैसे ही बड़े कम हो गए हैं, एंड T20 शायद जितना मर्जी कर लें वो एक वो म्यान नहीं बन सकेगा जिसपे हम पुराने ग्रेट्स को जज करते थे। खैर, ये एक अलग डिबेट थी। बट उनको कैप्टेंसी से जब हटाया गया तो वो उस पर खास खुश नहीं थे। लेकिन उनसे जब उनको ऑफर दी गई कि आप एक फॉर्मेट की कर लें और बाकी फॉर्मेट यानी लिमिटेड की छोड़ दें, तो ही एक्चुअली रिजाइन फ्रॉम ऑल 3 फॉर्मेट्स। और हमने शाहीन शाह आफरीदी को लिमिटेड ओवर में एक्चुअली सिर्फ T20 का कैप्टन लगाया, और शान मसूद को हमने जो है वो टेस्ट का कैप्टन लगाया, और अभी वनडे का अनाउंस होना था। इसके बाद भी हमारी 2 सीरीज होती हैं। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई, और इसके बाद हमारी जो थी वो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में कैप्टनसी एक्चुअली उनके तमाम नाकदीन, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, जिनकी परफॉर्मेंस है, और इवन एज अ कैप्टन भी जिनकी परफॉर्मेंस रही है एज अ बैट्समैन, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। बस एज अ कैप्टनसी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी हमें डिफरेंट अप्रोच नज़र आई, थोड़ी फ्रेश अप्रोच नज़र आई एज कम्पेयर टू बाबर। और उसके बाद फिर हमारी, लेकिन हम 3 मैच हार गए और हमारा जो शर्मनाक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो एक्सटेंड हो गया है। और उसके बाद फिर हमारा आता है T20 सीरीज। शाहीन आफरीदी जो थे वो PSL में लाहौर कंदर के साथ अच्छे परफॉर्म करते आ रहे थे और टाइटल भी जीत चुके थे, डिफेंडिंग जो है वो चैंपियंस भी थे, तो इसलिए एक उनको एक नेचुरल सक्सेसर माना गया। यंग भी हैं, 23 साल के हैं, सो एक लॉन्ग टर्म सक्सेसर माना गया। लेकिन उसके ऊपर क्या गलतियां हैं उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन इवेंचुअल नतीजा ये निकला कि हम 4 मैच आने के बाद 5वां मैच जीत के 4-1 जो है वो न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए, न्यूजीलैंड के अंदर जो T20 सीरीज हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुए इस मुल्क में, फिर चेंजेस आए, और अब घूम फिर के हम दोबारा एक नई मैनेजमेंट के साथ आ गए हैं। हमारे फाइनली एक चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं आफ्टर टाइम, 2 साल के बाद जो इलेक्टेड चेयरमैन है जिनको कोर्ट ऑर्डर का खतरा नहीं है। इस दौरान ये भी एक अहम बात थी कि जिस कमेटी ने बाबर आजम को हटाया, जिस कमेटी ने बाबर आजम से रेजिग्नेशन लिया था, उनके पास ये पावर नहीं थी, लेकिन उन्होंने ओवर यूज किया अपनी अख्तियारात का। सो अब इस सब सिनेरियो में ये है कि अब दोबारा बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया है, और शाहीन शाह आफरीदी से आप कैप्टनसी वापस ले ली गई है। शान मसूद फॉर नाउ इज टेस्ट कैप्टन, और लेकिन हमारे इमीडिएट टेस्ट कमिटमेंट्स अभी कोई है नहीं। वी आर गोइंग फॉर लिमिटेड T20 सीरीज, आयरलैंड में है और इस तरह बाकी मुल्कों में, बिफोर वी हैड टू द वर्ल्ड कप इन वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका। सो ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट दिया है, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट। बट इसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे जो माइंड में आ रहे थे, कुछ कमेंट्स आ रहे थे, एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू कमेंट ऑन दैट एज वेल। वो पहला यही था कि जो हमारा कैप्टनसी से हटाने का तरीका था वो गलत था। अगर हमने उनके जो ये
इख्तलाफात की खबरें और हटाने की खबरें और ये और वो जो सपोर्ट थी वो उनको ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी नहीं मिल रही थी। कभी हमारे चेयरमैन साहब किसी एक सहाफ़ी को देते थे, वो सहाफ़ी बड़ा चढ़ा के एक बात निकाल देता था, फिर वो कभी व्हाट्सएप मैसेज लीक हो रहे थे, तो एक अजीब कैओटिक सिचुएशन थी। और उसके बाद जब उनको हटाया गया तो उस पर भी जो है वो उसका फॉल बैक ये हुआ कि अब दोबारा उनको लाने लाने पे जब आए हैं तो फिर उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखी होंगी, यकीन उन्होंने कहा होगा, मुझे जो सुनने में आ रहा है, अगेन नॉट एनीवेयर जो है आई थिंक कंफर्म तो शायद नहीं है, कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो पाकिस्तान में होनी है तब तक वो कैप्टन रहना चाहते हैं। और जो शुरू में खबरें आई थी वो ये थी कि वो तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी चाह रहे थे, तो ये भी देखना होगा कि टेस्ट में आगे उनको मिलती है या नहीं मिलती। और सेकेंडली शाहीन अफरीदी जो है वो इस बात पे ज़्यादा खुश नहीं है जिस तरह उनसे कैप्टनसी ली गई है। और लेकिन मीन वाइल एक उनकी जो एक सीरीज थी उनको वर्ल्ड कप ईयर में उनको कैप्टन लाना पहला गलत फैसला था, क्योंकि जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कैप्टनसी करनी है उसको इस क्रूशल मोमेंट पे नहीं इस तरह प्रेशर में लाना चाहिए था। फिर उनके फिटनेस कंसर्न्स हैं और इंजरी के बाद से अभी तक वो रिकवर कर रहे हैं, हमने देखा है वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनके साथ हुआ। एंड लास्टली जो पीएसएल का लेटेस्ट सीजन था उसमें जो उनके टीम की परफॉर्मेंस आई उसने भी उनको ज़्यादा हेल्प नहीं किया उनके कॉज को। सो वो और उसके बाद उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिए जा सकी, लेकिन फियास्को हमने क्रिएट किया कि उनके नाम से जो है वो एट्रीब्यूटेड कोट्स लग गई और फिर बाद में डैमेज कंट्रोल किया कि जाके मिलना पड़ा और जो है वो सब कुछ हुआ। बट इस सब में जो एक इंटरेस्टिंग बात है, जो प्रॉब्लम मैं पूछना चाह रहा था वो इस सबसे ये है कि अगर हमने बाबर को हटाना था, जिस पे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत से लोगों का जनरल कंसेंसस था कि इट वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि उनको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है और कुछ और जो फ्रेश चेंज लाने की ज़रूरत है टीम में, बट असल जो मसला वहाँ पे ये आ रहा था कि अगर उनको हटाया था तो फिर हमारे जो नेक्स्ट बेस्ट कैप्टन थे या जो हमें नेचुरल सक्सेसर बन रहे थे वो दो थे। एक तो आपके होते हैं जो फॉर्मेलिटी होती है, यानी कि जो आपने वाइस कैप्टन लगाए होते हैं वो एक तरह से कैप्टन इन वेटिंग होते हैं, लेकिन वो इन केस में शादाब को हमने एक बार ट्राई किया था उनकी कैप्टनसी के ऊपर, हमने क्रिटिसिज्म भी बहुत आया। दूसरा फिर ये हुआ कि फिर हम वो सीरीज भी हार गए। बट इन द रिसेंट टाइम वो देखे आपने पीएसएल में उन्होंने आके जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जो उनकी टीम जीत गई है, बट देन अगेन उनकी कहीं नाम नहीं आया। उसके बाद जो दूसरा था हमारे मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है फ्रेंचाइज में T20 के, वो मुल्तान सुल्तान के रिजवान है, और उनका नाम भी कहीं नहीं आ रहा था। हालांकि अगर हमने बाबर को रिमूव करना था तो मेरे ख्याल में जो नेचुरल सक्सेसर थे वो रिजवान होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे भी हमने एज यूजल पॉलिटिक्स खेली गई, फेवरेटिज्म खेला गया, किन के कहाँ कनेक्शन हैं, जो बने हैं वो, जो नहीं बने वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के इल्म में है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका बेटा है, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे बोर्ड में अनफॉर्चुनेटली पहली दफ़ा नहीं हो रही और अनफॉर्चुनेटली आखिरी दफ़ा भी नहीं हो रही। बाबा ने अब कैप्टनसी वापस कबूल की है, सो उनके लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड कप दोबारा आ गया है, उनके ऊपर मीम्स और जो कमेंट बनते हैं वर्ल्ड कोई ट्रॉफी ना जीतने की, वो उन पे मज़ीद प्रेशर है कि वो परफॉर्म करें, नहीं करेंगे तो जो ना सिर्फ कैप्टनसी बल्कि उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकती है। ही हैड अ गुड पीएसएल बट ही रियली नीड्स टू कंटिन्यू दैट फॉर्म सो ही कैन लीड फ्रॉम फ्रंट, क्योंकि वर्ल्ड कप में वो हमारे वो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे एंड हम समझ रहे थे या हम होप कर रहे थे एंड प्रे कर रहे थे कि दिस वुड बी बाबर्स वर्ल्ड कप। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ कैप्टनसी से आपकी जो है वो लेगेसी नहीं डिफाइन होती, सिर्फ कैप्टनसी से आप अजीम प्लेयर नहीं माने जाते। हाँ, कुछ ऐसे प्लेयर थे जो शायद एज अ बैट्समैन किसी वर्ल्ड इलेवन या टीम इलेवन में वॉक इन ना कर सकें, बट एज अ कैप्टन वो ज़रूर करेंगे। बट पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर एंड नाउ इवन विराट कोहली हैव वॉकड अवे फ्रॉम कैप्टनसी, क्योंकि इसके जो प्रेशर्स हैं और इसके जो मसले मसाइल हैं वो हम सबके सामने हैं। सो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, और देखते हैं आगे क्या बनता है। बट राइट नाउ ऑनेस्टली थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड, क्योंकि हारमनी जो थी हमारी, जो इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो अफेक्ट हुई है। और ये कहना कि वाटर अंडर ब्रिज या वी हैव मूव्ड ऑन या कोई बैड ब्लड नहीं होगा वो मुश्किल है। इवन अगर प्लेयर्स में नहीं भी है तो वो जो मैनेजमेंट और जो एटमोसफेयर बन गया है जिसमें किसी का अगर कहीं किसी का हक मारा जा रहा है या किसी को चांस नहीं दिया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है उसे जल्दी दिया जा रहा है, और तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। बट डू लेट मी नो आप लोग इसके मतलब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और हम इस सिलसिले को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आगे मजीद टॉपिक्स पे जो बात करेंगे। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।